यह आपकी आभा को साफ करता है। उसके पास अपनी ऊर्जा का एक कुकून है ताकि बाहरी ऊर्जाओं से परेशान न करें। लोग नकारात्मक ऊर्जा से दूसरों का जीवन प्रभावित करते हैं। एक साधारण माला पहनने से ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको कृपा के लिए उपलब्ध बनाना है। देखिए, हर पदार्थ का एक निश्चित कंपन होता है, ब्रह्मांड की हर चीज में। अब हम उन चीजों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें एक विशेष दिशा में ढकेलेंगी। बात सिर्फ रुद्राक्ष की नहीं है, पौधे, फूल, जानवर, ऐसी हर चीज पहचानी गई है जो आपको आध्यात्मिक दिशा में ले जाएगी और जो नहीं ले जाएगी। आपने सुना होगा कि कोई फूल शिव का पसंदीदा है, कोई फूल विष्णु का पसंदीदा है। बस कुछ निश्चित कंपन की पहचान की गई है जो उसके करीब होगा, जिसे हम शिव या विष्णु या किसी और नाम से जानते हैं, और यह फूल आपको उनके सबसे करीब पहुंचाता है। तो उसे छूने से, उसे प्राप्त करने से एक निश्चित असर होता है। तो सब कुछ इस तरह पहचाना गया है। रुद्राक्ष उन वस्तुओं में से एक है जिसमें एक बहुत ही अनोखा कंपन है। अब रुद्राक्ष को शरीर पर क्यों पहना जाता है? एक बात यह है कि इससे आभा साफ होती है। आपको पता है कि आभा या ऑरा क्या है? A-U-R-A, हर चीज के चारों ओर, हर शरीर के चारों ओर प्रकाश और ऊर्जा का एक निश्चित क्षेत्र होता है। हर भौतिक वस्तु की अपनी आभा होती है, यहाँ तक कि बेजान वस्तुओं की भी। आजकल इसकी कई अलग अलग तरीकों से फोटो ली जा रही है और रिकॉर्ड किया जा रहा है। रुद्राक्ष आपकी आभा को साफ करता है। आभा बिल्कुल काली से लेकर शुद्ध सफेद तक हो सकती है। आप जानते हैं, अगर आपने देखा हो, शायद अमेरिका में इतना नहीं है, पर अगर आपने कोई ऐसी स्पेनिश फिल्म या भारतीय फिल्म देखी हो तो आप देखेंगे, अगर उन्होंने किसी संत या ऋषि को दिखाया हो तो हमेशा उनके सिर पर एक सफ़ेद आभा मंडल होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने सिर के पीछे रोशनी के बल्ब लेकर घूमते थे। बात सिर्फ इतनी है कि कलाकार आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यह एक शुद्ध संत है, उनकी आभा शुद्ध सफ़ेद है, यही बताया जा रहा है। तो बिल्कुल काली आभा से लेकर शुद्ध सफ़ेद आभा तक आभाएं हो सकती हैं। यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तंत्र विद्या की प्रक्रियाएं करता है, जो ऊर्जा के साथ काम करता है, उनमें से ज्यादातर नकली होते हैं, जो सिर्फ मुर्गियों का उपयोग करते हैं और आपको डराते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ वास्तविक लोग हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यह बहुत ही गूढ़ तंत्र विद्या है। अगर आप उनसे मिलें, वे एक बहुत अलग तरीके से शक्तिशाली होते हैं। उनकी आभा बिल्कुल काली होती है। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर बिल्कुल अलग तरीके से। तो एक बिल्कुल काली आभा से एक शुद्ध सफेद आभा तक और उनके बीच लाखों अलग अलग रंग, इससे आपकी आभा शुद्ध हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कल सुबह तक आपके सिर के पीछे एक आभा मंडल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप खुद को शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं। जब आपकी इच्छा होती है कि आप खुद को शुद्ध करें, तो आप हर उस छोटी से छोटी मदद का उपयोग करना चाहते हैं जो मिल सकती है। यह भारतीय साधुओं द्वारा पहना जाता है। उसका एक कारण यह है कि वे लगातार यात्रा करते हैं। जो अलग अलग जगहों पर लगातार खा रहा है और सो रहा है, उसका शरीर एक निश्चित स्तर की उथल पुथल से गुजरता है। इस अर्थ में आप में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप एक नई जगह पर गए तो भले ही आप बहुत थक गए हों, पर उस जगह पर आपका शरीर सो नहीं पाएगा। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? यदि आप यात्राएं करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपने कुछ स्थानों पर ध्यान दिया होगा कि आपका शरीर बस सो नहीं पाता। आप पूरी तरह से थक चुके हैं, पर आप सो नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अपने घर में, आपके बेडरूम में, आज इसे कुछ कहा जाता है, फॉरेंसिक लोग एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, थर्मल इमेजिंग। देखिए, अगर आप 24 घंटे बाद यहाँ बैठते हैं तो कोई मशीन लेकर आएगा और पता लगाएगा कि गायत्री कहाँ बैठी थी। उस जगह में एक याददाश्त बाकी है
जिसका वे पता लगा पाते हैं। यह व्यक्ति केवल यहीं बैठा था, वहां नहीं। ठीक है, अगर आप अपने कुत्ते को लाते हैं तो वो जान जाता है कि वो यहां बैठी थी, है ना? तो वहां कुछ बचा है कि नहीं? स्पष्ट रूप से वहां कुछ छूट गया है। यही कारण है कि एक कुत्ता या एक मशीन या कोई और चीज उसका पता लगा लेती है। तो आप रोज एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, वहां आपकी ऊर्जा का कुछ पहलू बचा है, वहां आप बहुत सहज हैं। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां ऊर्जा बहुत अलग है, तो आप आराम से नहीं बैठ पाते। कभी कभी यह सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार यात्रा कर रहा है वह रुद्राक्ष पहनता है, ताकि उसके पास अपनी ऊर्जा का एक कुकून हो, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उसे परेशान न करें। उसके पास एक कवच होता है। आपको पता है कवच क्या होता है? कवच यह कुकून जैसा होता है। यह आपकी खुद की ऊर्जा का कुकून है। आप जहां भी जाते हैं, आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाता है। आप जहां भी जाते हैं, यह आपके साथ यात्रा करता है। विशेष रूप से यात्रा में आपकी आभा टूट फूट जाती है, इसलिए आप यात्रा के बाद बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। वास्तव में आप बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, आप बस बैठे हैं। 10 घंटे के बाद आप पाते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी ऊर्जा चरमरा जाती है। आपका शरीर उससे तेज गति से गया है जितनी गति के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो पहली चीज जिसमें टूट फूट होती है वह है आपकी आभा। यदि आप तेज 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 जाएं, मान लें कि आप प्रति घंटे 600 मील की रफ्तार से जाते हैं विंडशील्ड के बिना एक खुली जगह में, तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा छिल जाएगी, उसके बाद आपका मांस उड़ जाएगा, उसके बाद आपकी हड्डियां उड़ जाएंगी, है कि नहीं? पहली चीज जिसमें टूट फूट होना शुरू होती है वह है आपकी आभा। तो गति के साथ, तेज और तेज गति के साथ आभा टूट फूट जाती है। इसलिए यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको एक निश्चित कुकून प्रदान करता है। यह आपकी आभा को एक निश्चित स्थिरता प्रदान करता है, जिससे गति को अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। यह भी एक तरह की सुरक्षा है। आप जानते हैं कि लोग नुकसान पहुंचाने वाली ऊर्जा से दूसरों का जीवन प्रभावित करते हैं, क्या आप जानते हैं? आप यहां क्या कहते हैं? बिली शून्यम, काला जादू, या जो भी आप इसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। 4 वेदों में से एक वेद इसके प्रति समर्पित है। अथर्व वेद इसी बारे में है कि कैसे अपने लाभ के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा में हेरफेर किया जाए। यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको उस तरह की नुकसानदायक स्थितियों से भी बचाता है। कई बार ये चीजें लोगों के साथ तब भी हो सकती है जब वे उनका निशाना न हों। मान लीजिए कोई मुझ पर कुछ काला जादू कर रहा है, लेकिन मैं उसके प्रति ग्रहणशील नहीं हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, यह आप पर असर कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह आप पर किया गया हो। यदि आप उस समय आसानी से प्रभावित होने की स्थिति में हैं, तो आप पर असर होगा। तो कई बार लोग खराब समय और वैसी चीजों से गुजरते हैं, उसे इससे मत जोड़ें। मैं आपके मन में डर पैदा नहीं करना चाहता, पर कई बार हमने देखा है कि लोगों पर कुछ चीजों का असर होता है। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वे सभी प्रकार की चीजों को दोष देते हैं। यह नहीं जानते कि उनके साथ वाकई क्या हो रहा है। एक साधारण माला पहनने से ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा मिलती है। लोगों के रुद्राक्ष पहनने की एक और वजह है, अगर आप प्यासे हैं और आप एक जंगल में चल रहे हैं, आपको थोड़ा पानी मिला और आपने पी लिया, तो आप पर जहरीला असर हो सकता है। आपको लकवा मार सकता है या आप मर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में भी पानी कुछ गैसों के कारण जहरीला हो सकता है। कुछ झीलों और अन्य चीजों को बुरा माना जाता है, उनका इतिहास है। आदिवासी और दूसरे लोग डरते हैं कि वहां भूत मौजूद हैं। ये केवल इसलिए है कि पानी कुछ गैसों की वजह से जहरीला हो गया है, और जो लोग उसे पीते हैं वे तुरंत दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं, और इसी वजह से उस पानी से ऐसी बातें जुड़ गई हैं। अगर आप रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़ते हैं, तो यह आपको बताएगा कि उसे पीना चाहिए या नहीं। अगर आपके सामने कोई भोजन आता है, अगर आप उसे पकड़ते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी जहर हो, तो रुद्राक्ष तुरंत घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में घूमेगा। मैं इस पानी को चेक कर लेता हूँ।
कुछ पता नहीं चलता। ये अच्छा पानी है। आप जहर की एक छोटी बूंद इसमें डाल दीजिए, जिसका आप गंध या स्वाद से पता नहीं लगा सकते। उस तरह का जहर आप इसे पकड़ कर देखिए, यह तुरंत घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में घूमेगा। तो यह एक और वजह है, और इसके कई दूसरे पहलू हैं। यह आपके सिस्टम में रक्तचाप को कम करता है, आपकी नसें शांत हो जाएंगी। आज भारत के डॉक्टर उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए रुद्राक्ष पहनने को कह रहे हैं। डॉक्टर वाकई रुद्राक्ष पहनने के लिए कह रहे हैं। बस इसे पहन लीजिए, आपका रक्तचाप कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक निश्चित कंपन होता है जो पूरे सिस्टम को शांत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको कृपा के लिए उपलब्ध बनाना है, क्योंकि आखिरकार यह मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, आप क्या योग करते हैं, आप और क्या करते हैं। आखिरकार केवल कृपा के लिए उपलब्ध होने से ही आप एक संभावना बन जाते हैं। इसीलिए एक भक्त दूसरों से जल्दी आत्मज्ञान पा लेता है, क्योंकि वह बस खुद को अर्पित कर देता है। अगर ऐसा भाव न हो तो योग सर्कस बन जाएगा। कृपा के बिना आप जो भी करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, सेहत, धन, सफलता, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिलती अगर किसी तरह से आप कृपा के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। यह तय है, या तो आप सचेत रूप से उपलब्ध हो जाएं, या अनजाने में अपने ही तरीके से उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। हर मनुष्य, हर प्राणी किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो रहा है, पर अगर आप होश पूर्वक इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो सब कुछ काम करेगा। जीवन भरपूर चिकनाई वाली मशीन जैसा होगा, सब कुछ आसानी और सहजता से होगा। इसलिए रुद्राक्ष सिर्फ उस संभावना को थोड़ा बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष के बिना आप कृपा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, आप होंगे। बात सिर्फ ये है कि आप हर उस मदद का उपयोग करना चाहते हैं जो आपके लिए उपलब्ध है।